विश्व हिंदू परिषद ने कमलनाथ की तुलना राजा जय सिंह से की है। जय सिंह पूजा पाठ करता था लेकिन उसने शिवाजी पर हमला किया था, और इसी प्रकार कमलनाथ पूजा पाठ करते हैं लेकिन हिंदुत्व के साथ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास पर हनुमान चालीसा कराया था लेकिन पूजा पाठ करवाने से कोई हिंदू हितैषी नहीं होता है। कमलनाथ जी कई बार खुद को हनुमान भक्त भी बताते हैं, कई उनने बड़े धार्मिक आयोजन भी करते हैं। इस बात की अगर हम बात करें हिंदुत्व की और हिंदू हित की बात करें तो कमलनाथ जी इसमें पीछे नहीं है, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि राजा जयसिंह भी रोज 1000 बिल्वदल शिव जी को अर्पण करता था, गाय की पूजा करता था, मगर राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर आक्रमण किया। तो केवल पूजा करना ये हिंदुत्व नहीं है, समाज हित और राष्ट्र हित की बातों में आप कहाँ खड़े रहते हैं, और राष्ट्र हित हिंदू हित में है इतना पक्का है। इसके साथ कौन खड़ा है, इसके विरुद्ध कौन खड़ा है, ये महत्व का है। हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए। जुगल, हमने देखा बीते दिनों अगर हम नजर डालें तो कमलनाथ को हमने भगवा रंग में भी देखा, हनुमान चालीसा का पाठ कराते देखा, कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा कराते देखा। जिस तरह एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह के साथ कमलनाथ आगे बढ़े, बीजेपी ने भी कई अटैक किए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये हमला कमलनाथ पर, क्या मायने निकालें इसके? देखिए, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि वो सीधे राजनीति में दखल नहीं कर देता, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उसका कोई दखल नहीं होता, और ये बात सही भी है। विश्व हिंदू परिषद प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में कोई दखल नहीं रखता है। आज जब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जब भोपाल आए थे, उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उपचुनाव में वो बिल्कुल दखल नहीं देंगे, लेकिन जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, उसका साथ विश्व हिंदू परिषद जरूर देगी, क्योंकि वो भी एक समाज से जुड़े हैं और सामाजिक संगठन हैं। लेकिन जब सवाल ये किया गया कि भाई हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो कमलनाथ जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हमेशा रहता है, कांग्रेस पार्टी का रुख रहता है, और कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनका ये कहना था कि पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक या हिंदुत्व की बात, हिंदू हित का नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करने में हम कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या संघ के अनुसांगिक संगठन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस ने अपना चरित्र चेहरा बदला है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस गई है, ये मानने को विश्व हिंदू परिषद या हम कह सकते हैं संघ के अनुसांगिक संगठन नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पूजा पाठ करने से कोई व्यक्ति हिंदू हितैषी या हिंदुत्व की राह पर नहीं चलता है, या हम कह सकते हैं पूजा पाठ करना मात्र ये नहीं हो सकता कि वो हिंदू हितैषी हो गया है। तो निश्चित रूप से उस बात को खारिज किया है विश्व हिंदू परिषद ने कि कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल हमारे साथ अब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर।